एकदम बम बैटल ग्राउंड में जमकर तबाही मचा सकता है और इसी बम से गाजा की कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चंद सेकंड्स में पूरी तरीके से गिरा दी गई। और इसी बम से इसराइल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है और यही इस वक्त गाजा का सबसे बड़ा खलनायक भी बना हुआ है। जे डैम को लेकर डर इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अल अहली जैसा हाल अब गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा का भी हो सकता है। इसराइल की सेना ने ट्वीट करके दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का बहुत बड़ा अड्डा है। इसराइल की सेना ने एक एनिमेशन ट्वीट किया है, इसमें अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंग दिखाई गई है। कंप्यूटर ग्राफिक से बनाया गया ये वीडियो ये साबित करने के लिए है कि ये अस्पताल हमास का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। सत्रह अक्टूबर को इसराइल पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा था जब गाजा के अल अहली अस्पताल पर एक बम फटा। बताया गया कि यह जेडैम ही था जिसने अस्पताल के कैंपस में सैकड़ों जान ली थी। ऐसा धमाका, ऐसे शोले कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा ब्लास्ट जो अभी तक गाजा के अंदर किसी ने नहीं देखा था। गाजा पर इजरायल के हजारों बम गिरे लेकिन ऐसा ब्लास्ट पहली बार हुआ। जब ये बम गिरा तो सैकड़ों लोग फौरन मारे गए। अल अहली अरब अस्पताल में हुए धमाके को लेकर इजरायल ने बहुत दलील दी कि ये हमास का रॉकेट था जो मिस फायर हुआ। यही वजह है कि जेडैम जैसे बम फिर से डर पैदा कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो बन ही चुके हैं। गाजा में लाल अक्टूबर के बाद क्या नवंबर में भी खून की नदियां बहने लगेंगी? गाजा और इसराइल इस वक्त बहुत बड़ी हिंसा के दौर से गुजर रहे हैं। गाजा पर इसराइल हजारों टन बम गिरा रहा है तो हमास की तरफ से इसराइल में लंबी रेंज के रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया का यह हिस्सा इस वक्त बहुत बड़े युद्ध के दरवाजे खोल चुका है जिसको रोकने की कोशिश जारी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया ताकि इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो जाए, जंग खत्म हो जाए। दुनिया के 120 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया तो 14 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया, जबकि भारत इस वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। एक बात साफ है कि दुनिया नहीं चाहती कि गाजा और इसराइल से अब और बुरी खबरें आए। ना रॉकेट चले, ना टनों टन बम गिरे, अब खून ना बहे, पश्चिम एशिया में शांति हो, हमले बंद हो, इसके लिए बहुत बड़ी अपील पोप फ्रांसिस की तरफ से भी आई है। Converti chi alimenta e fomenta conflitti, asciuga le lacrime dei bambini, quest'ora piangono tanto. Assisti chi è solo e anziano, sostieni i feriti, gli ammalati, proteggi chi ha dovuto lasciare la propria terra e gli affetti più cari, consola gli sfiduciati, ridesta speranza. गाजा में रात में हमले कैसे हो रहे हैं इसकी तस्वीरें भी आने लगी हैं। गाजा में इस वक्त ना बिजली है, पानी की किल्लत है, ना फोन है, ना इंटरनेट है। इस वक्त गाजा का संपर्क पूरी तरह दुनिया से कट चुका है। रात भर इसराइल की बमबारी होती है और दिन भर लोग मलबे में जिंदा बचे लोगों को तलाश करते हैं।